हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीजोलिड 600 टैबलेट के बारे में। ये जो लीजोलिड 600 mg टैबलेट है, ये किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इस टैबलेट के क्या यूज़, क्या डोज, क्या वर्क, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लीजोलिड 600 mg टैबलेट है, इसको इंटरग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसकी आपको एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी, जो कि कुछ इस तरह से आती है। और इसके एक स्ट्रिप के प्राइस की बात करें तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 334.78 में मिलेगी। इसमें दोस्तों कंटेन की बात करें तो इसमें सिंगल कंटेन लीनाजोलिड जो कि 600 mg इसमें ऐड किया गया है। फर्स्टली इसके वर्क की बात करें तो ये जो लीनाजोलिड है, ये एक तरह की एंटीबायोटिक है। ये महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा जरूरी प्रोटीन के संश्लेषण को रोककर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। और इसके दोस्तों और भी ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे ये आपको लिनॉक्स टैबलेट, लीनाकैम टैबलेट, लिनोस्पैन टैबलेट, लिंजोफोर्स टैबलेट और लिनो स्टार टैबलेट के नेम से मिल जाएगी। इसमें दोस्तों जो कंटेन है वो सेम ही रहेगा, आप किसी भी ब्रांड नेम की ये जो टैबलेट है वो ले सकती हैं। दोस्तों, ये जो टैबलेट है जी आपको इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट सस्पेंशन और सिरप के फॉर्म में मिल जाएगी। अब जान लेते हैं दोस्तों लीनाजोलिड टैबलेट के क्या यूजेस हैं, डॉक्टर पेशेंट को किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्स्टली दोस्तों, ये जो टैबलेट है इसका यूज़ निमोनिया की प्रॉब्लम में, अगर पेशेंट को निमोनिया मीनिंग फेफड़ों की प्रॉब्लम हो गई है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गई है, या फिर आई इन्फेक्शन हो गई है, बोन और बोन मैरो इन्फेक्शन हो गई है, हार्ट में इन्फेक्शन हो गई है, ट्यूबरक्लोसिस है मीनिंग टीबी की प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम है मीनिंग पैरों में अल्सर या फिर घाव होने लगे हैं, या फिर कोई कैंसर का पेशेंट है उसमें ग्राम पॉजिटिव की इन्फेक्शन हो गई है, तो उस कंडीशन में ये जो लीनाजोलिड टैबलेट है उसका यूज़ किया जाता है। और अगर पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में सूजन आने लगी है, उसमें इन्फेक्शन हो गई है, कैथेटर इन्फेक्शन हो गई है, और अगर कोई सीवियर जख्म हो गया है, घाव हो गया है, तो उस कंडीशन में उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस जो लीनाजोलिड टैबलेट का यूज़ है वो किया जाता है। दोस्तों, ये जो टैबलेट है उस टाइम ही यूज़ की जाती है जब जो दूसरे एंटीबायोटिक होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, उनका कोई असर नहीं होता पेशेंट में, तो उस कंडीशन में ये जो लीनाजोलिड टैबलेट का यूज़ है वो किया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में। फर्स्टली तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन, उसके वेट के अकॉर्डिंग ही डोज प्रस्क्राइब करते हैं, बट नॉर्मली डोज इसकी दिन में 1 से 2 बार हो सकती है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही इसका यूज़ करें। और दोस्तों, इसका जो कोर्स होता है वो 5 से 10 डेज तक होता है। जितना आपके अपने डॉक्टर ने बताया है उतना ही इसका कोर्स पूरा करें, इसको बीच में लेना बंद ना करें। और दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जैसे पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन और लूज मोशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। तो दोस्तों, ये तो थी लीनाजोलिड 600 mg टैबलेट के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।